मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे दूसरे सिंथेटिक फाइबर के बारे में, दैट इज नायलॉन। राइट, इससे पहले जो अपन ने बात करी थी रेयॉन के बारे में, रेयॉन को अपन ने देखा था कि रेयॉन को जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, दैट लुक्स लाइक सिल्क। राइट, इसके अलावा दैट इज मेड ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल एंड केमिकल्स। ओके, इसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि उसको जो है बेडशीट्स वगैरह बनाने के अंदर यूज़ में लिया जाता है। अब सेम वैसे ही एक और सिंथेटिक फाइबर है, दैट इज़ नायलॉन। नायलॉन के बारे में भी देख सकते हैं अपन, ऑब्वियसली कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जस्ट लाइक नायलॉन इज़ अ काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो एक ऐसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, ऑब्वियसली दैट इज़ मेड ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स एंड दैट इज़ मेड बाय ह्यूमन बींग, जिसको आर्टिफिशियल थिंग्स से और ह्यूमन बींग ने अपनी एक्टिविटीज से जो है बनाया है। सेकेंड, फर्स्टली इट वॉज मेड इन 1931। सबसे पहले जो है इसको कब बनाया गया था, 1931 के अंदर जो है बनाया गया था। फर्स्टली इट वॉज सिंथेसाइज इन 1931। बहुत बात पूछ लेते हैं डेट्स, डेट के बारे में भी। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, इट डजंट मेड ऑफ नेचुरल रॉ मटीरियल्स। या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इससे पहले अपन ने रेयॉन देखा था, रेयॉन के अंदर अपन ने देखा था कि वुड पल्प यूज में लेते हैं। रेयॉन के अंदर अपन किसको यूज में लेते हैं, वुड पल्प को, दैट इज बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। बट यहाँ पे किसी भी प्रकार के अपन नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज में नहीं ले रहे हैं। एंड इट इज मेड ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। इट इज मेड ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। ये कोल, वाटर और एयर तीनों को जो है मिक्स करके जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर से जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है। ऑलराइट, सो इसके अंदर किसी प्रकार कोई वुड पल्प को अपन यूज में नहीं ले रहे हैं, कोई प्लांट पार्ट को यूज में नहीं ले रहे हैं। राइट, ना ही कोई एनिमल पार्ट को यूज में ले रहे हैं, ऐसे किसी भी चीज़ को जो है इसके अंदर अपन यूज में नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट। ये जो फाइबर है ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अलावा इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो इसके अंदर पाई जाती है। राइट, इसके अलावा लाइट होता है, लाइट वेटेड होता है, ज़्यादा वेट जो है इसके अंदर नहीं होता है। सो इट इज़ ईजी टू कैरी, कहीं भी अपन को ईजी, अपन जो है इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसकी यूजेस, इट इज़ यूज इन मेकिंग सॉक्स, जो भी हम पहनते हैं मोजे, सॉक्स को बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। रॉप्स, जो रस्सियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। टेंट्स बनाने के अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है। राइट, टेंट्स आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो ये हिल स्टेशन के अंदर जो आप देखते हो कैनोपी वगैरह लगा लेते हैं माउंटेन्स के ऊपर, जो टेंट्स हैं जिनको फायर बोन्स भी बोलते हैं, उनको बनाने के अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है। टूथ ब्रशेज वगैरह जो है वो भी कहीं ना कहीं इससे बनती है। इसके अलावा शीट बेल्ट, जो व्हीकल्स के अंदर शीट बेल्ट होते हैं उनको बनाने के अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है। कर्टन्स, घरों के अंदर जो कर्टन लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, दोज आर ऑल्सो मेड ऑफ नायलॉन। एंड पैराशूट्स, जो पैराशूट्स होते हैं वो भी बीसी से लेके बने हुए होते हैं। सो ये कुछ जो है प्रॉपर्टीज, फीचर्स, यूजेस हैं डिस्कवरी से रिलेटेड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नायलॉन जो एक सिंथेटिक फाइबर होता है। राइट, फर्स्टली इट वॉज मेड इन 1931, देन इट इज़ नॉट मेड ऑफ नेचुरल रॉ मटीरियल्स, इसके अंदर कोई नेचुरल रॉ मटीरियल नहीं होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ कोल, वाटर एंड एयर, इसके अंदर जो है कोल, वाटर और एयर इनको यूज़ में लिया जाता है। तीनों को मिक्स करने के बाद में जो केमिकल होता है उससे जो है हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक होता है, इलास्टिक इन द सेंस फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसके अंदर पाई जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट ये लाइट होता है, ईजी टू कैरी, मतलब ये कहीं पर भी अपन इसको कैरी कर सकते हैं। राइट, इसके बाद में इसको जो है अपन वेराइटीज ऑफ पर्पज के लिए यूज़ में ले सकते हैं, लाइक सॉक्स हो गए, रॉप्स हो गई, टेंट्स हो गए, टूथ ब्रशेज हो गई, सीट बेल्ट हो गए, कर्टन्स हो गए, पैराशूट्स हैं, इन सबको बनाने के अंदर इसको यूज़ में लेते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट नायलॉन। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर, ऑलराइट, दैट कैन बी पॉलिएस्टर, दैट कैन बी एक्राइल, दैट कैन बी पीईपी एटसेट्रा, दैट कैन बी एनीथिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।